नमस्कार और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार और अभी हम गढ़वा जिले के अनराज घाटी में मौजूद हैं। कहा जाए कि NH 343 की ये मुख्य सड़क है जो झारखंड छत्तीसगढ़ को जोड़ती है सीधे। यहाँ की अगर हम बात करें घाटी की, तो घाटी इतनी तीखी है कि ये घाटी में लगभग हजारों से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई है। एक एक दुर्घटना में तो 14-14 लोगों की मौत एक बार में हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें इस घाटी की, तो ये घाटी में जहाँ एक तरफ जो घटना घटने के बाद मातम पसरती है, तो वहीं 500 मीटर की दूरी पे कहा जाए कि अनराज डैम है और अनराज डैम में लोग खुशी का इजहार करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। लेकिन वहीं से 500 मीटर की दूरी पर अनराज घाटी का ये जो तीखा मोड़ है, यहाँ पे लोग मातम पसर जाता है जब एक बड़ी घटना घटती है। हम ऐसे में बात कर रहे हैं ये अनराज घाटी की ये तीखी मोड़ की। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हेमंत सोरेन या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लगभग वो अभी से 8 महीने पहले, कहें तो हम 3 अप्रैल 2021 को 16 करोड़ की लागत से बनने वाली ये सड़क जो है तीखी मोड़ को सीधा करने के लिए ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। लेकिन अब तक उस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है, कहें तो पहल नहीं हुई है। अब लगातार घटनाएँ घट रही है, लोगों की बराबर जाने जा रही है। इसलिए हम यहाँ के जो गुजरने वाले लोगों राहगीर से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जानते हैं कि क्या परेशानी होती है, क्या जानते हैं आप? ये NH 343 पर जो इतना खतरनाक टर्निंग है, नावाडी अंदाज जो है बहुत ही खतरनाक टर्निंग है और आए दिन यहाँ पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। ये सरकार की चिंता का विषय और आम जनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है और इसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन शिलान्यास हुआ था उसके बाद अभी तक हाँ, जैसा कि मुझे मालूम हुआ था कि भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी और हेमंत सोरेन जी के द्वारा ऑनलाइन इसका जो है शिलान्यास किया गया था। मुझे लगता है कि करीब 1 साल होने को आया, लेकिन अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि इस तीखे रोड को सीधा करने के लिए जो है वो कोई पहल नहीं किया गया है, जो निश्चित रूप से आम जनता के लिए चिंता का विषय है। जब अगर मतलब सीधे हो जाएगी उसके बाद कितना लाभ होगा, क्या कैसा फील करेंगे? ये बहुत ही बढ़िया होगा कि जब ये खतरनाक टर्निंग जो है वो सीधा हो जाएगा तो लोगों को काफ़ी सहूलियतें होंगी। और सबसे बड़ी बात कि जो आए दिन लोगों की दुर्घटनाओं में भयंकर मौतें होती रहती हैं, अभी 2 साल पहले ही एक बस सीधे नीचे 150 फीट खाई में चली गई थी, तो 6-7 लोगों की मौत हुई थी। सिंह बस जब 14 लेकिन एक बार में मौत हुई थी, 14 लोगों की जी 14 लोगों की मौतें हुई हैं एक एक दुर्घटनाओं में। तो ऐसे अभी तक मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों की जान यहां पर जा चुकी है और निश्चित रूप से इस घाटी को जल्द से जल्द यहां पर सीधा करना जो है वो बेहद ज़रूरी है, तभी लोगों के जान माल की सुरक्षा की जा सकती है। और भी हैं, हाँ हम उनसे भी जानेंगे। आइए ज़रा बताइए क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे सरकार से, मैंने मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द ई रोड को सीधा करने में पहल करें और इसका शिलान्यास हुए 1 साल बीत गया, अभी तक सरकार की इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। और जितना जल्द हो, मैंने पब्लिक के परेशानियाँ बहुत कठिनाई करना पड़ रहा है और बार बार मैंने गाड़ी एक्सीडेंट के कारण पब्लिक की मौत मरना पड़ रहा है। जब आप लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग? डरने से जाते हैं महसूस होता है कि दूसरा गाड़ी से ठोकर लग जाए या धाका लग जाए, बहुत धीरे धीरे जाना पड़ता है बच बच के। देखिए अभी गाड़ी जा रहा है, कितना कष्ट में जा रहा है, सीधा हो जाएगा तो इसीलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि सत्ता में सरकार है, जितना जल्द हो इसको मैंने शिलान्यास हो गया है बनाने में पहल करें। ठीक है, बनाने में पहल करें। और भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। अभी हम तस्वीर के माध्यम से आप देखे भी होंगे कि यहाँ पे एक पिकअप वैन जा रही थी, टर्निंग भी है और घाटी भी है, कहें तो यहाँ पे अभी इन लोगों ने पत्थर की ओट लगाकर पिकअप वैन को ओट के सहारे लोग और ढकोल कर घाटी पार किए। ऐसे में इनसे जानते हैं कितना परेशानी का भैया। नवाडी डैम है, पूरा मोड टर्निंग बहुत है, हम लोग गाड़ी लेके आते हैं तो परेशानी होता है, घाटी नहीं चढ़ पाता है,
तो हम लोग वोट करके गाड़ी वजन करके जनमीनार के हम लोग काम करने जाते हैं जी। गाड़ी लोड होता है, टर्निंग में हम लोग बहुत परेशानी होता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग उसमें 10 सवारी बैठते हैं, अब अगर टर्निंग पीछे हो जाता है तो हम लोग नहीं उतर कर गाड़ी नहीं ढकलते। अच्छा, इसलिए रोड के टर्निंग के लेने के लिए कि हम लोग को बहुत परेशानी है, ये रोड के पूरा क्लियर होना चाहिए। हम भी अंबिकापुर से रहते हैं, घर मेरा गढ़वा में है, लेकिन यहाँ बस आता है और टर्निंग के चक्कर में कितना दुर्घटना होता है उसमें हम लोग परेशानी है, इसलिए टर्निंग को सुधारा जाए। अभी अगर आप वोट नहीं लगाते तो क्या घटना होती आपके साथ? हम लोग पीछे गाड़ी चल जाते हैं, हम लोग के दुर्घटना हो जाता। अच्छा, तो टर्निंग के लेके हुआ, पीछे बाइक वाला भी था, वो बोला हम आप लोग के चलते फंस गए, इसलिए हम लोग टर्निंग को सुधारने के लिए। क्या नाम है? अजय ठाकुर। अच्छा, आपने इनकी जुबानी सुना कि कितना महत्वपूर्ण यानी कि कितना खतरनाक टर्निंग है, यहाँ भी लगातार लोगों को जाने जाती है, और अभी भी अगर ये पत्थर का वोट नहीं लगाते तो इनके साथ भी बड़ी घटनाएं घट जाती। ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे, क्या कहेंगे आप? ये पूरा तिखी मोड़ है जी, ये बहुत तिखी मोड़ है, ये अनजान मोड़ है। आने में एक बैग मोड़ पड़ने के कारण मान लीजिए ड्राइवर होपलेस हो जाता है, ऐसे रास्ता है, इसके वजह से आए दिन घटना होते रहता है। इस पर थोड़ा सा प्रशासन को नज़र रखना चाहिए और देख के जनता के प्रति थोड़ा अच्छा से रोड वोड बनवाना चाहिए। मान लीजिए खतरनाक मोड़ के कारण आए दिन घटना बरसों से होते आ रहा है, इस पर सुधार नहीं हुआ तो होते रहेगा। आपको हम बता दें कि जहां हम खड़े हैं इसके जस्ट सामने में जो है कि 150 फीट की जो गहराई है, यहां घाट है, तीखी मोड़ है, उसके साथ 150 फीट की गहराई है। अगर कहीं अनियंत्रित होकर गाड़ी चले जाती है तो बड़ी घटनाएं घटती है, ऐसे में कितनों की जान चले जाती हैं। वैसे सरकार तो बहुत पहले ही गार्डवाल की एक व्यवस्था जो देख रहे हैं गार्डवाल की व्यवस्था की है, लेकिन उसके बाद भी एक गार्डवाल बनाया गया है कि यहां से कोई घटना घटती है तो उसके बाद वहां जाकर जो है कि गाड़ी नियंत्रित होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लगातार दो दो गार्डवाल लगातार टूटी करती है, लगातार गार्डवाल का निर्माण कराया जाता है, लेकिन इतनी भयानक खतरनाक टर्निंग है कि लोग अपने आप से गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, नियंत्रित होकर बड़ी घटनाएं आए दिन लगातार घटती रहती। कैमरामैन CS तिवारी के साथ मैं अरुण कुमार, लगातार न्यूज गढ़वा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।